वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज. माई नेम इज़ डॉली. आई एम व्लॉगिंग टूडे. सो आज मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ. पढ़ने नहीं जा रही. पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है हम लोगों का. वो थोड़ा सा काम है. हम मतलब हमें और मेरे दोस्तों को भी थोड़ा बहुत काम है, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह लेना था, तो इसलिए जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे. बहुत दिनों बाद एक्चुअली मैं अपने कॉलेज 1.5 सालों के बाद जा रही हूँ. मतलब ये पानागढ़ स्टेशन का वीडियो है. नॉर्मली हम लोग चिट चैट कर रहे थे, मतलब बहुत दिनों बाद कॉलेज जा रहे थे, इसीलिए क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे. फ्रेंड्स है ये मेरी, बहुत मतलब रोशनी, प्रियंका, वशु, बस इतने ही लोग गए थे, ज़्यादा लोग नहीं गए थे. बहुत मज़ा आया था, मतलब बहुत दिनों बाद लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे. ये रोशनी का ड्रामा देखो आप लोग. यही करती रहती है हमेशा, बट बहुत अच्छी है दिल की. कहाँ चढ़ेंगे? सीट नहीं मिलेगा मेरे को ऐसा लग रहा है. आफ्टर 40 मिनट्स वी हैड रीच टू रानीगंज. ऐसे नॉर्मली अकेले ट्रैवल करो तो हेडफोन्स की ज़रूरत होती है. मतलब मैं तो निकालती नहीं, गाने सुनते रहती हूँ, बट दोस्तों के साथ गई तो यार कब टाइम पता निकल गया पता ही नहीं चला. रानीगंज आ गया था और हम लोग बैठे थे, बातें ही कर रहे थे, फिर पता चला कि अरे रानीगंज तो आ गया, वरना आगे चल जाते. तो यहाँ से जाने के लिए टोटो वगैरह मिल जाती है, टोटो बस या पैदल भी जा सकते हो. काफ़ी लोग पैदल जाते कि रेगुलर स्टूडेंट्स तो नहीं जा सकते, तो हमने यहाँ से टोटो लिया था. उसके बाद कॉलेज आके दिखाती हूँ अपना कॉलेज. कितने कितने लोग बैठे थे एक बार? सात लोग. एक टोटो में 10 लोग बैठे थे? नहीं, 10 लोग थे. मैं आगे बैठी थी, मुझे याद है अच्छे से. एज आई सेड इन दिस क्लिप कि मैं अभिनंदन जाने वाली हूँ. बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है रानीगंज का. एक्चुअली ओनली वेज और ओनली वेज मिलता है यहाँ पे, और बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है. हम लोग नॉर्मली कॉलेज जब जाते थे तो यहीं जाया करते थे. तो ये जो प्रियंका है ये हमेशा पहले कोला पीती थी, पैदल अभिनंदन बहुत, तो अभी इसको मतलब थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है, तो इसको पीना था वो. इसने कहा कि नहीं मैं डाब का पानी भी पीऊँगी, तो हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे इसके साथ. परिवर्तन हो गया, ये कोला के जगह पे डाब पानी पिएगी. डाब पानी ध्यान से देखिए इस लड़की को. चलो. सबसे ज़्यादा ठंड मुझे ही लग रही है, जैकेट पहन के गई थी मैं. ऐसे मुझे ठंड ज़्यादा ही लगती है. तो इस टाइम पे हम लोग कॉलेज पहुँच गए थे. डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि क्या क्या ऐसे मेरा सर्टिफिकेट ही लेना था और ज़्यादा कुछ काम था नहीं. अब प्रियंका का थोड़ा इशू था, प्रियंका और रोशनी का. अभी आगे देखते हैं, रोशनी का फेस देखना आप लोग, बड़ी फनी लगेगी. उसके रिजल्ट में थोड़ा इशू हो गया था, उसने एग्ज़ाम वगैरह का उसको पता नहीं चला. लॉकडाउन में तो बहुत सारे इश्यूज हुए यार. मतलब एग्ज़ाम का पता ही नहीं था, फॉर्म फिलअप कब हुआ उसका. प्रियंका अपना कॉलेज दिखाऊंगी, यहीं पे 3 साल गुजार दिया. एक्चुअली कॉलेज जाते नहीं थे हम लोग ज़्यादा, बट फिर भी जाते थे. मतलब थोड़े बहुत तो इन्जॉय किया ही थोड़ा बहुत हम लोगों ने कॉलेज में. प्रियंका हमारे ग्रुप की लेडी डॉन है, मतलब कभी कुछ गलत देखती तो चुप भी नहीं रहती. अबे ये दूसरा है, ठीक है दूसरा है. ये मेरा कॉलेज त्रिवेणी देवी भलोटिया कॉलेज है, आसनसोल रानीगंज से है नियर बाय. उनको पता होगा इस कॉलेज के बारे में. यहीं पे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है. फॉर्म वॉर्म फिलअप है क्या? बंद है? पागल है क्या? रिजल्ट तो यहाँ से मिलेगा ऑफिस से. यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला भाई कभी. ये
तो थोड़ा सा भी ये नहीं है यार, कभी भी क्या हो रोशनी बोल एग्जाम हो गए, इसको पता ही नहीं है कि एग्जाम हो गया है, दोबारा फॉर्म फिल अप, दोबारा एग्जाम। अगर ये रेगुलर कॉलेज आती तो उसको पता चलता ना, ये भी तो है। रेगुलर कॉलेज कौन आएगा, चलो वो क्लास करेगा। फिर भी पता वता करने तो आ ही जाती ना। नहीं तू कुछ बोल ना रोशनी अबे हो जाएगा, चाप मत ले तू ज्यादा, भाग रही है लेगी वैशु, कौन सा फोन लेगी, कौन सा फोन लेगी, आईफोन। बड़े लोग हैं लोग, बड़े लोग। तुम ना वो लेना जो एकदम सबसे वाला वेरिएंट है ना, सबसे महंगा वाला, 2 लाख का। एग्जाम हो गया इसका, एग्जाम हो गया बट इसका नहीं हुआ, रोशनी को छोड़ दिया एग्जाम वाला। ये है ही पागल पगली, इसको बोला 1 साल और रुको, अगले साल बोला देने के लिए। 5 साल में कंप्लीट होगा तेरा ग्रेजुएशन, ये बात सही हो गया। अगर उस बार भी अगर ये की तो 6 साल में कंप्लीट होगा। नहीं नहीं 5 इयर्स ही मिलता है करने के लिए कंप्लीट। अगर 5 इयर्स नहीं हुआ तो रोटी मिलता है। रोटी नहीं, ब्याह करके जाओगी ससुराल, समझी। वीडियो कॉल पे अनीशा है एक्चुअली, इसका कॉलेज आसनसोल में था, बीबी कॉलेज। सो हमने कहा था कि इसको भी चलने के लिए, बट ये आई नहीं, इसको कुछ और काम था इसलिए ये नहीं आई। जिसकी बर्थडे का वीडियो मैंने बनाया था वही है मेरी बेस्ट फ्रेंड अनीशा। सो नहीं आई तो फिर इसको वीडियो ऐसी, मतलब बार बार कॉल कर रही थी, यार तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब मैंने कहा नहीं आई तो घर पर रहो ना, तो फिर इतनी बेसब्र क्यों हो रही हो। सबके लिए है, सबके लिए है चाउमीन वाउमीन, खाओ खाओ बहुत टेस्टी बना है, देखो फोटो देखो सब कोई चाउमीन का, मेरा सब वेजीज है इसमें। नहीं नहीं अंडा वंडा नहीं खाना, ये दे रहे इसको। स्पून से खा ले, किसी को कोरोना नहीं है। लाइट्स नहीं आ रहे, ये विशाल का याद आ रहा है कैसे खाता था वो, हम लोग बर्थडे में जाते हैं ना किसी के भी, हमेशा इसके बगल में बैठेगा ठीक है, और इसके अंदर से चिकन खाए। चौमिन खाने के बाद वी हैड बिन डिसाइडेड कि हम लोग अपने कॉलेज के कैंटीन में जाएंगे, बट वहाँ का वहाँ पे वो बंद था एक्चुअली। सो फिर हमने कहा कि अभिनंदन ही चल रहे थे, वैसे अभिनंदन तो आने ही वाले थे, बट कॉलेज का कैंटीन में मैं दिखाना चाहती थी आप लोगों को। तो यहाँ पे एक्चुअली ये कोरोना वगैरह का टाइम है, तो फिर इसीलिए ये ग्लास, मतलब प्लास्टिक के डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह ग्लास वगैरह में खाना वाना दे रहे थे हम लोगों को। बट यहाँ मैं प्रेजेंटेशन पे मत जाना, मतलब खाना बहुत होता अच्छा होता है यहाँ का एक्चुअली। डोसा मैं अभी थंबनेल के लिए डोसा की पिक क्लिक कर रही थी अपने फ्रेंड के फ़ोन से, काफ़ी अच्छा डोसा था, मसाला डोसा मंगाया था मैंने, मुझे 70 रुपीज़ का मसाला डोसा पड़ा था, काफ़ी थिक चटनी थी, बादाम और नारियल की चटनी थी, और सांभर भी काफ़ी टेस्टी था, वेजीज इसमें सारे वेजीज डाले हुए थे। ऐसे मैंने तो बहुत बार खाया है, बट आप लोग अगर कभी रानीगंज जाते तो अभिनंदन का खाना फूड ज़रूर ट्राई करना। एक्चुअली ये वेज रेस्टोरेंट है, तो मतलब वेज लोगों के लिए एक से एक डिशेज मिलते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी, यहाँ पे UPI वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते। सो बट ओवरऑल खाना वाना सर्विस वगैरह सब कुछ ठीक है, वो जो आने के बाद हम लोग रानीगंज मार्केट चल गए थे, थोड़ा बहुत काम था, सबको कुछ कुछ परचेस करना था, तो ये रानीगंज का मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है, लाइक आसनसोल जैसा तो नहीं कह सकते बट ठीक ठाक मार्केट है।
यहाँ पे भी कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, तो कुछ कुछ परचेज़ किया हमने, उसके बाद हम लोग घर चले गए। सो शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे घर। बस से जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ट्रेन वगैरह बहुत, लोकल वगैरह बहुत कम खुली है, तो बस पे जाना पड़ा हम लोगों को घर। सो गाइज आई एम बैक नाउ। मज़ा आया, कॉलेज गए थे बहुत दिनों बाद तो दोस्तों के साथ, बट मेरी सारी गैंग नहीं गई थी, हम बस चार लोग ही थे और तीन चार दोस्त थे, सबके अलग अलग चले गए, कॉलेज कंप्लीट हो गया तो लाइक वो लोग भी कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहा है। सो इतना ही था। वैसे हम कॉलेज में ज़्यादा मज़े करते थे। जो टिफ़िन वाला इंसिडेंट बताया उस टाइम, मतलब तब हम सारे लोग रहते थे तो ऐसे ही, मतलब ऐसे तो सब ले लेके खा रहे थे ना, बचता ही नहीं था हमारे साथ। सो ऐसे ही मज़ा आया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय गाइज, बाय। और एक बात बताना चाहती हूँ आपको, मैं कल कोलकाता जा रही हूँ अपनी नानी के घर। सो अभी तक तो प्लान नहीं किया हम कहाँ घूमने जाएंगे। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ मैंने क्या क्या किया।